आज हम खड़े हैं नवलगढ़ की रॉयल सिटी में, और ये जो रोड है सामने ये आपको दिख रही होगी, बाइक जा रही है, ये जो रोड है नवलगढ़ से नवलड़ी जाने वाली रोड, और ये है रॉयल सिटी। यहाँ पर सोमवार रात 12 बजे के करीबन एक चोरी का वारदात हुई है। उसमें क्या हुआ है कि ये जो मकान नंबर 134 है यहाँ से चोरी की गई। असल में हुआ क्या कि यहाँ पर बाइक खड़ी थी, यहाँ पर थी साइकिल, दो चोर ये जो दीवार है यहाँ से फांद कर आए, ये गमला था ये यहाँ रखा था, इसको गमले को अपने रास्ते से हटाया, अंदर आए, अंदर आने के बाद उन्होंने बाइक को चुराने की कोशिश की, पर बाइक उनसे नहीं चुराई गई क्योंकि बाइक का स्टीयरिंग लॉक था। साइकिल जो थी वो यूं ही यहाँ पे खड़ी हुई थी, उस पर लॉक नहीं था, तो उन्होंने डायरेक्ट यहीं से साइकिल को बाहर निकाल लिया। एंड ये जो गाड़ी है इस गाड़ी को भी लॉक तोड़ने की कोशिश करी गई है ड्राइवर साइड से, एंड इस गाड़ी का पूरा जो फ्यूल जो है, गाड़ी जब उनसे नहीं चुरा पाए, इनका लॉक नहीं खोल पाए, तो इन लोगों ने क्या किया, इसके जो इतना शातिर गैंग था कि उन्होंने इसके यहाँ से फ्यूल पाइप से ये पाइप निकाला और पूरा का पूरा फ्यूल जो इसमें 25 से 26 लीटर फ्यूल था वो सारा का सारा फ्यूल निकाल लिया। और जो गैंग थी वो इतनी शातिर थी कि जो ये जो स्ट्रीट डॉग्स है यहाँ पे जो कुत्ते घूमते हैं, इनमें से दो कुत्ते जो थे वो एक्टिव थे, यहाँ अनजान लोग जो आते थे उनके ऊपर भौंकते थे और वो यहाँ का ध्यान रखते थे। उन दोनों कुत्तों को दो दिन पहले जहर देकर मार दिया गया है, एक कुत्ता आज मर गया है और एक जो है वो सोमवार को शाम को दम तोड़ चुका था। ये है जो रॉयल सिटी है ये है, और ये सामने रोड है, और चोर है जो वो फरार हो चुके हैं, उनका कोई भी हमें सुराग नहीं मिला है। और ये जो कैमरेज हैं इनमें टेक्निकल इशू था, पिछले 10 दिन से कैमरेज बंद थे क्योंकि टेक्नीशियन जो है वो कहीं बाहर गया हुआ था, और उन्होंने बोला कि जो कैमराज हैं वो हम 4-5 दिन में ठीक कर देंगे, और शायद हो सकता है कि चोरों को इस बात का भी पता हो कि कैमरेज जो है वो अभी चल नहीं रहे हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चोरी कर दी है यहाँ पर।